और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1526 में आज ही के दिन पानीपत की पहली लड़ाई शुरू हुई थी और ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ी गई थी और इसमें इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए थे और इस घटना को भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य वर्ष 1526 से लेकर वर्ष 1857 तक था। आज दुनिया के दो शहरों का जन्मदिन है। 753 ईसा पूर्व में आज ही के दिन रोम शहर की स्थापना हुई थी और ये शहर इटली की राजधानी है और इतिहास की तमाम राजनीतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1782 में आज ही के दिन बैंकॉक शहर की भी स्थापना हुई थी। लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला बैंकॉक शहर थाईलैंड की राजधानी है। आज ही के दिन दो बड़े लेखकों का निधन हुआ था। वर्ष 1938 में आज ही के दिन उर्दू साहित्य के विश्व प्रसिद्ध शायर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल का निधन लाहौर में हुआ था। मोहम्मद इकबाल ने एक मशहूर गीत लिखा था जिसके बोल थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। इस गीत को तराना हिंद में के नाम से वर्ष 1904 में प्रकाशित किया गया। वर्ष 1910 में आज ही के दिन मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन का निधन हुआ था। वर्ष 1835 में जब उनका जन्म हुआ तब कुछ ही दिन पहले हैलिस कॉमेट पृथ्वी के करीब से गुजरा था। मार्क ट्वेन ने इसे लेकर अपने जीवन के बारे में भविष्यवाणी की थी कि उनका निधन भी हैलिस कॉमेट के जाने के आसपास ही होगा और इत्तेफाक की बात यह है कि मार्क ट्वेन की मृत्यु वर्ष 1910 में इस कॉमेट के पृथ्वी के करीब से गुजरने के एक दिन बाद हुई। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।